वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। राजनीति में आपराधिक तत्वों का लगातार बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे का ही संकेत है। जब कोई राजनीतिक दल लोकतंत्र की पवित्रता को ताक पर रखकर किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जिसके दामन दागदार रहे हों, तो बात सिर्फ उसके जीतने हारने तक ही सीमित नहीं रहती। जीतने के बाद वह जनप्रतिनिधि होने का तमगा लगाकर लोकतांत्रिक ताने बाने को तहस नहस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि ऐसा व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनी ताकत के लिए लगातार खतरा महसूस करता रहता है और इसे कमज़ोर करने में ही अपना हित देखता है। जाहिर है, दागी व्यक्ति का छोटी बड़ी किसी भी पंचायत का सदस्य बन जाना देश को दीमक के हवाले करने जैसा है। आंकड़ों पर गौर करते ही यह बात एकदम साफ हो जाती है कि राजनीति में मूल्यों का ह्रास आखिर क्यों कर हो रहा है। 2004 में 24%, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43% आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार लोकसभा तक पहुंचने में सफल रहे। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आधे से ज़्यादा लोकसभा सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे। चुनौतीपूर्ण समस्या होने के बावजूद किसी राजनीतिक दल ने इस आसन्न खतरे के प्रति सजगता का प्रदर्शन नहीं किया है। ताज़ा मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव का है, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 70 में से 43 विधायकों की पृष्ठभूमि आपराधिक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर संवेदनशील बना हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जस्टिस एफ नरीमन और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन योग्यता और मेरिट के आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक दल सिर्फ इस आधार पर उम्मीदवार तय नहीं कर सकते कि उसकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को कई बार ऐसा करने के लिए कहा गया है। चूंकि दागियों को एकदम रोकने में कई कानूनी और व्यवहारिक पेचीदगियां हैं, इसलिए अदालत ने पिछले दिनों यह निर्देश दिया था कि मतदाताओं को आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों के बारे में बताया जाए ताकि वोट डालने से पहले पता हो कि किसे चुनने जा रहे हैं। अखबारों में विज्ञापन देने के साथ साथ वेबसाइट पर जानकारी देने को भी कहा गया था, लेकिन पूरी तरह पालन नहीं किया जा सका।
अब सुप्रीम कोर्ट ने दलों को ज़्यादा जिम्मेदार बनाते हुए कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को उम्मीदवार बनाने की वजह बतानी होगी। अदालत के फैसले से चुनाव आयोग को भी ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि दिशा निर्देश न मानने वाले दलों पर कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्टॉप।